इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। कौन सा ब्रैकेट? छोटा। इसमें रेखा कोष्टक नहीं है, इसलिए हम छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ माइनस टू है, इसमें और कोई संख्या नहीं, इस पर कोई असर नहीं होगा। सीधे लिख देंगे माइनस टू। अब देखो यहाँ मझला कोष्टक है, ठीक ना। अब यहाँ पे है छोटा कोष्टक, इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये भी अकेला है, इस पर कोई असर नहीं होगा। ये माइनस फाइव हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 25। यहाँ हम फिर ब्रैकेट लगा दिए, फिर इनटू, है ना, इनटू। फिर देखो ये है माइनस 7, इसको लिख लेंगे। फिर माइनस यहाँ पे क्या है, 4 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। माइनस 2, माइनस 2। फिर यहाँ पे इनटू माइनस 5। इतना सबको समझ में आया? यस। अब देखो माइनस टू उतार लेंगे, और अभी हमारे पास छोटा ब्रैकेट है, इसलिए हम मझले ब्रैकेट को भी उतार लेंगे, या इसको यहाँ जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम क्रम से चलेंगे। फिर इनटू है, अब देखो ये माइनस 7 है और ये कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2 इनटू माइनस 5, ठीक। फिर आगे चलते हैं, माइनस 2 मझला ब्रैकेट, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, कितना आंसर आ जाएगा, 3। अब देखो ये सारा ब्रैकेट टूट गया है, तो इसी को हल कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 30। ये हो गया मझला ब्रैकेट, या हम इसे तोड़ ही देते हैं पूरी तरह से, ठीक ना। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या पूरा तोड़ भी सकते हैं। ये हो गया माइनस 7 प्लस 2 इंटू माइनस 5। अब देखो यहाँ कोई निशान नहीं, तो यहाँ कौन सा निशान होगा, गुड़े का, गुड़े का। माइनस 2, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 30 इंटू माइनस 7 प्लस 2 इंटू माइनस 5। तो बॉड मास के अनुसार जो है ब्रैकेट टूट गया है, ऑफ इसमें नहीं है, और क्या है, डिवीजन इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो कहाँ कहाँ, देखो यहाँ पे है, ये 3 है ना, और यहाँ प्लस है और यहाँ पे है, ठीक ना। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस 30 है और माइनस 2, इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, माइनस 7 माइनस 60। फिर माइनस 7 में इनटू करेंगे तब 420 या ऋण 420, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान लगाया है, और इन दोनों में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 10, ठीक ना। अब इसमें दोनों माइनस में है, ये दोनों क्या होंगे, समान प्लस, तो जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जब रहते हैं तो जुड़ जाते हैं, कितना आएगा, 430 माइनस 430। ये हो गया, समझ में आया।